Assalamualaikum students, how are you? Today our topic is very interesting. It is about satellites. आपने जैसा कि देखा होगा कि बल्कि रोज़ ही आप रात को देखते हो कि आपको मून नज़र आता है, ठीक है? तो मून भी क्या है, एक हमारे पास सेटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है, एंड इट इज़ अ नेचुरल सेटेलाइट। इसी तरह से बहुत सी सेटेलाइट्स हैं जो मैन मेड सेटेलाइट्स हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सेटेलाइट क्या होता है? अ सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ और अनदर प्लैनेट, जिसमें आपके पास कौन कौन सी होती हैं, नेचुरल होती हैं सेटेलाइट्स, कम्युनिकेशनल सेटेलाइट्स होती हैं, मून हैं, प्लैनेट्स हैं, ये नेचुरल सेटेलाइट्स हैं, ठीक है? इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेटेलाइट्स। फर्स्ट वन इज नेचुरल सेटेलाइट एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल सेटेलाइट। नेचुरल सेटेलाइट जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी लाइक मून, ठीक है, ये क्या होती है, ये रिवॉल्व करती है अराउंड और अर्थ, ठीक है। इसी तरह से बहुत से जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, तो वो भी सन की क्या है, सेटेलाइट्स हैं। दीज आर द नेचुरल सेटेलाइट्स। लेकिन आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स वो होती हैं जो कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने स्पेस में सेंड किए हैं, और इट इज़ द मैन मेड सेटेलाइट्स, ठीक है। अब ये भी क्या करती हैं, ये भी कुछ दे आर सम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि स्पेस पे हम भेजते हैं, ठीक है। और ये क्या है, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर नोन एज आर्टिफिशियल सेटेलाइट, ठीक है। बहुत सी सेटेलाइट्स जो हैं, आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो है, वो ज़मीन के गिर्द क्या करती हैं, ऑर्बिट को कम्प्लीट करती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर हम किसके लिए यूज़ करते हैं इनको, कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। सेटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सेटेलाइट कैरियर्स क्या क्या लेके जाती हैं अपने साथ, ये इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाती हैं, पैसेंजर्स लेके जाती हैं, ठीक है, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन द स्पेस, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स जो हैं हैज़ बिन लॉन्च इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। देखिए, डिफरेंट कंट्रीज, आप हर दूसरे चौथे दिन सुनते हो कुछ मंथ्स बाद कि जो है हमारे जो है इस कंट्री ने सेटेलाइट जो है वो स्पेस में भेज दी, इसने भेज दी। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया का सुना था, उन्होंने जो है वो सेटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में जो हैं वो भेजी हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में जाती हैं, इनका एक ऑर्बिट नहीं होता, डिफरेंट हाइट्स पे जो है ये डिफरेंट ऑर्बिट्स पे मूव करती हैं, ठीक है। अब जो है इसके लिए कम्युनिकेशनल सेटेलाइट्स कौन सी होती हैं, अब इसमें गौर से सुनिएगा। कम्युनिकेशनल सेटेलाइट्स जो हैं ये 24 आवर्स लेती हैं एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, रेवोल्यूशन करने के लिए अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो जैसे ही हमारा जो है, अब देखिए, आपको भी पता है कि अर्थ भी अपनी एक रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट करती है, अबाउट इट एक्सेस इन 24 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये जो कम्युनिकेशनल सेटेलाइट्स हैं ये स्टेशनरी लगती हैं, हमें लगता है कि ये रुकी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट द ऑर्बिट ऑफ सच सेटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो इनके ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। आपके घरों में जो डिश एंटीनास हैं, या अगर नहीं है अभी, जो पहले होते थे डिश एंटीनास होते थे, रिसीवर्स होते थे, ठीक है, वो सिग्नल्स कहाँ से लेते हैं, अपनी एक फिक्स डायरेक्शन से। देखा होगा आपने कि अगर आप कहीं गांव में चले जाएं जहाँ पे एरियल्स होते हैं, या पहले आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, जहाँ पे एरियल्स होते थे, डिश होती थी, उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करा देते थे, ठीक है, ताकि वहाँ से जो है वो प्रॉपर सिग्नल को कैच करे, और हमारे जो है टीवी स्क्रीन पे प्रॉपरली जो है हमारे पास एक फिक्स डायरेक्शन में जो हमारे पास वहाँ पे जो चैनल आता है वो हमें क्लियर नज़र आता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, लाइक आप फ़ोन की एग्जांपल ले लें, फ़ोन जो है, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांसमीटर के पास जाता है, इसका सिग्नल ट्रांसमीटर से क्या होता है, डिश एंटीना पे जाता है, डिश से ये सिग्नल जो है, या ट्रांसमीटर से ये सिग्नल ट्रांसमिट होके कहाँ जाता है, सेटेलाइट पे, एंड देन जो है वो मैन के पास जो है हमारे पास सेलफोन पे उस पर आता है, एंड वॉइस वर्सा सेम। इसी तरह मैन से जो है फ़ोन से सेटेलाइट पे जाता है, सेटेलाइट से ये एंटीना जो है और रिसीवर जो है इसको रिसीव करता है, देन इट कम ऑन लैंडलाइन फोन। तो ये एक पूरा प्रोसेस है सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का, ठीक है। थैंक यू सो मच, होप सो यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ जो है हमारे पास है, दैट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी।
ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट विद विच इट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट हाइट एच. हाइट एच पे जो है हमारे पास जो भी बॉडी रिवॉल्व करी है विद सम वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी.